नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और आज मेरा 13वां सप्ताह है बीजारोपण का। जैसा कि मैं करता आ रहा हूँ इस पूरी मानसून में, आपने देखा मैंने मुहिम चलाई और हजारों की तादाद में फलदार बीज जो है मैंने तमाम जगहों पर लगाए, जैसे पार्क में और रोड साइड पर और जहाँ पर भी मुझे जगह मिली वहाँ पर मैंने बीजारोपण किया है। और किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि संदेश नहीं मैं कोई स्वर्ग का लाया, इस धरती को स्वर्ग बनाने आया। जी हाँ, हमें अपनी धरती को स्वयं ही स्वर्ग बनाना पड़ेगा। भगवान स्वयं उतर कर नहीं स्वर्ग बनाएंगे, भगवान ने हमें यह धरती दी और अब यह हमारा फर्ज है कि हम इसे स्वर्ग बनाएं। तो दोस्तों, जब हम समाज में कोई भी बदलाव देखना चाहते हैं, यदि मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में चारों तरफ हमारे आसपास जो है हरे भरे वृक्ष हों, फलदार वृक्ष हों, तो हमें ना तो किसी संस्था का मुंह देखना चाहिए और ना ही किसी सरकार का। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करेंगे, समाज के प्रति समर्पण नहीं होगा हमारा, हम समाज के प्रति कुछ नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है समाज में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो जो भी हम देखना चाहते हैं बदलाव समाज में, हमें उसके लिए स्वतः ही अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण हो या फिर हमारे अन्य चीज़ों का, जो हमारी जो प्राकृतिक हमारी संपदा है उसका संरक्षण हो, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज मैं ये बीज लाया हूँ फलदार वृक्षों के। हालांकि आपने देखा कि इस बार जो है मॉनसून बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा और उसका एक नतीजा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे देखिए, ये जो आपको नहर नज़र आ रही है, ये नहर बिल्कुल सूख चुकी थी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था, लेकिन इस बार ऐसा मानसून आया है, अनेक वर्षों के बाद मैंने देखा है कि पानी जो है इसमें इस हद तक जो है पानी भर गया है। तो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक, हमारे यहाँ दिल्ली शहर में ही मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1000 के करीब हमारे जल स्रोत थे, वाटर बॉडीज थी, जिसमें झीलें थी और तालाब थे, नहरें थी, वो सब तमाम जो हमारे जो जल स्रोत थे धीरे धीरे हम खो चुके हैं, क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप व्यक्तिगत स्तर पर, इसीलिए मैं बार बार ये वीडियो डालता हूँ, बनाता हूँ और दिखाता हूँ कि जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तब तक हमारे समाज में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। तो आज मैं ये बीजारोपण कर रहा हूँ। ये जो हमने फलों के बीज हैं, इनको मैं इसी तरह से आपके सामने फेंक दूंगा और ये बीज जो हैं, ये बीज मरेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बीज जो हैं इसी तरह से धरती में पड़े रहते हैं और जब इन्हें पानी का स्पर्श मिलता है तो ये बीज अपने आप ही जो हैं फलदार वृक्षों का रूप धारण कर लेते हैं। और यकीन जानिए, ये हमारा श्रम बेकार नहीं जाएगा, फिजूल नहीं जाएगा। हमने अब तक जो पहले भी लगाए हैं बीज, उसके भी परिणाम आने आरंभ हो गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। तो इस तरह से ये बीजों को हम नष्ट ना करें और उन्हें कहीं लगा दें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जीवन जो होता है, जीवन का अंत नहीं होता है, जीवन हमारी इस धरती माँ के अंदर, मिट्टी के अंदर ही समाहित रहता है, बस उसे ज़रूरत होती है पानी के स्पर्श की। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ लेकर आएं, ये स्नेल्स हैं, छोटे छोटे ये घोंगे हैं, स्नेल्स कह लीजिए। जब तक इस झील में पानी नहीं था, ये झील सूखी हुई थी, तब तक इसमें कुछ भी जीवन नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी आया, इसमें ये घोंगे भी इस मिट्टी के अंदर ही इसके बीज थे, इन्होंने जन्म ले लिया। इसी तरह से एल्गे है, ये देखिए काई है, ये काई भी नहीं थी, इसने भी जन्म ले लिया। तो ये भी, इन जीवों के भी बीज जो हैं धरती के अंदर रहते हैं, इस धरती माँ के अंदर। और अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत इतने ही मंदिरों का देश है, हमारे देश में इतने मंदिर हैं, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जो धरती माँ हमारे लिए जीवन की संभावनाएं देती है, हमें जीवन देती है, हमें फल फूल नदियाँ पर्वत मौसम हर चीज़ देती है जीवन भोगने के लिए, उस धरती माँ के मंदिर हमारे देश में कितने हैं, ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है। उस धरती माँ के कितने मंदिर हैं, उस भारत माता के कितने मंदिर हैं। तो हमें मंदिर बनाने के साथ साथ
हमें ये ज्यादा जरूरी है कि हम इनका संरक्षण भी करें, अपने प्राकृतिक जो स्रोत हैं, प्राकृतिक साधनों का, तभी जो है हम अपने भविष्य के साथ इंसाफ कर पाएंगे। और इसी संदेश के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।